I got a farthing तो भाई लोग क्या हाल चाल, आई होप सब अच्छे होंगे भाई। तो भाई इस गेम प्ले में भाई हमारे साथ आ रखे हैं भाई किंगैनब्रू अपने। तो भाई किंगैनब्रू भाई मतलब हम तो मिलिट्री कूदते ही हैं और वो सोलो भी स्क्वाड खेल रहा है भाई अपना, और वो भी कूदता ही पे। अब देखो भाई मैंने एक अंदाज़ा लगाया था जस्ट कि वो भी मिलिट्री बेस ही आएगा हॉट, अभी डायर सोलो भी स्क्वाड खेल रहा है इक्वल टू हॉट ड्रॉप तो करना ही था भाई। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो रैंक पुशिंग गेम खेलता है, तो भाई इतना पक्का था कि वो हॉट ड्रॉप कर रहा है भाई और वो मिलिट्री में ही आएगा क्योंकि और कोई लाइन पे था भी नहीं। तो भाई हम उसके बाद मिलिट्री पे कूदते हैं और पहले हम कुछ फाइट वाइट लेते हैं, हम कुछ बंदे स्पॉट होते हैं मारते हैं और किल फील्ड में भी नाम आता है भाई किंगैनब्रू मार रहा है बंदे, तो वो सब तो अच्छी बात है। और फिलहाल के लिए हमें कुछ बंदे स्पॉट होते हैं उन्हें मारते हैं। तो भाई अब था ही वो अमीर पार्टी, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, उसके पास अच्छे अच्छे मोट अच्छे अच्छे महंगे महंगे कपड़े। अब भाई वो चला गया था फिलहाल और हमारे पीछे से कुछ बंदे और हम पे पुश करते हैं तो उनका निपटारा करते हैं। आओ भाई तो भाई फिलहाल के लिए उनका निपटारा भी हो चुका है और हमारा किंगैनब्रू फिर से वापस आ गया। मतलब भाई हमारी मीटअप चलता रहा था पूरी बिल्डिंग, मतलब सी बिल्डिंग हम घूमते रहते थे यहाँ पे और हम इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक जाते रहे, और वो मेरे ख्याल से वो भी रिकॉर्डिंग कर रहा था तो उसने अपना माइक ऑन नहीं करा था भाई। और इतनी सी देर में जहाँ मेरे को 4 किल मिले हैं और मेरी स्क्वाड के बंदों को पता नहीं कितने मिले होंगे, उस भाई को अब तक 9 किल मिल चुके थे भाई। हमने उनसे पूछा भाई कि भाई आपको कितने किल मिले हैं, तो भाई उसने कहा 9 किल भाई। अभी देखना हमारा किंगैनब्रू खो गया। नहीं मजाक मजाक कर रहा हूँ, वो नीचे है अभी भी। तो भाई हमारा नीचे टेढ़ी गर्दन कर रहा है और माइक वो ऑन नहीं कर रहा है, और हमारे घातक भाई ने उसे फ्लेयर गन दे दी, दान कर दी। और हमारा पीके भाई पीछे से प्लान बना रहा है कि मार दूँ अगले को। नहीं भाई ऐसा, अगर हमने से मारा नहीं भाई, मतलब फिलहाल तो नहीं मारा। तो मैंने उससे पूछा भाई आप सोलो भी स्क्वाड खेल रहे हो क्या, खेल रहे हो? तो कहा हाँ भाई मैं सोलो स्क्वाड खेल रहा। मैंने बोला किल कितने करे आपने, तो उनने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करी लेकिन हमें समझ में नहीं आया, तो मैंने अंदाजा लगाया 4 और हमारे पीकाचू ने लगाया अंदाजा 9। तो भाई इतने में भाई को 9 किल मिल चुके थे। तो भाई फिलहाल मीटअप बहुत हो गया, अभी गेम बाकी थी, तो हमने उससे कहा कि भाई कि हम आपको अगर ज़िंदा रहे तो लास्ट में मिलेंगे, तो उनने भी कहा ओके भाई। और हमारे गरीब लोगों ने कपड़े मांगे उससे, वैसे अगर कपड़े नहीं मांगता कोई तो फिर शायद पिकाचू अगर कपड़े नहीं मांगता तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं।
भाई उस भाई ने अपना आउटफिट दिया और निकल गया वो अपने रास्ते और हम निकल गए अपने रास्ते। तो भाई हमको कुछ गाड़ी गुड़ी मिली और हम जाते हैं नोवो की तरफ क्योंकि भाई बंदे मारने थे। और भाई कोई आइडिया नहीं था कि वो भी वहीं पे ही होगा क्योंकि भाई वो राइट की मतलब वो मिलिट्री पे साइड गया था तो मेरे को नहीं पता था कि वो भी है भाई हमारा भाई यहाँ पे ही आएगा। और देखो भाई क्या होता है। हम नोवो की तरफ जाते हैं। और इस बीच में हम डिसाइड करते हैं भाई कि क्या कंटेंट बनेगा क्या कंटेंट नहीं बनेगा। तो मतलब बातें चल रही थी बातें चल पहुँच करते करते हम पहुँच जाते हैं नोवो की तरफ और कुछ बंदे हमें होते हैं स्पॉट। मतलब कुछ क्या यार एक बंदा स्पॉट होता है और मैं उस पर थ्रोबल करने की कोशिश करता हूँ। अब मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि वहाँ पे भाई किंग एंड्रू बैठा है। मतलब घातक ने मेरे को एक बार कॉल दिया भी खैर से वो वही है पर मैंने कहा सेम कपड़े कैसे हो सकते हैं किसी बंदे के पास क्योंकि वो। तो भाई घातक ने नेट करा और किंग एनबू ख़त्म हो गया। तो भाई किंग एनबू तो भाई ख़त्म हो चुका है। अब इसमें हम उसे शायद वो सोच रहा होगा कि भाई ये वही बंदे हैं जो मतलब मेरे को मिले थे वहाँ पे। पर भाई ऐसा अगर आपको लग रहा हो कि हमने आपको मतलब धोखे से मारा था ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमें कोई आइडिया नहीं था कि अगर आप और मीटअप तो ख़त्म हो चुका था भाई। अगर हमें लगता कि भाई आप हैं तो शायद हम आपको ना मारते। चलो कोई नहीं भाई अब भाई जो होना था मैं दुख जाहिर कर चुका था। मेरे दोस्त भी मेरे को कह रहे थे भाई क्या कर रहा है क्या क्यों हो रहा है। कोई नहीं है तो फिलहाल दुख जाहिर बहुत कर लिया और भाई यहाँ भी बंदों को निपटा देते हैं। तो भाई इस गेम में चिकन तो खैर नहीं हो पाता क्योंकि कुछ मतलब चलता रहता है यार हर गेम चिकन नहीं होती है। तो उससे पहले चिकन से पहले भाई मतलब मरने से पहले हमें कुछ बंदे स्पॉट होते हैं हम उनकी तरफ उन्हें मारने चलते हैं। तो भाई यहाँ पे निपटाने के बाद हम थोड़ा जोन की तरफ चलते हैं क्योंकि जोन में जाना था इम्पोर्टेंट। और भाई देखो यहाँ तो कमाल ही हो गया मतलब पूरी स्क्वाड यहाँ पे खतरनाक तरीके से लेटी पड़ी थी। और भाई बचते बचाते हमारा घातक बच जाता है और हम भी बच जाते हैं और प्यारा सा पत्थर कवर हमें मिल जाता है यहाँ पे। तो घातक हमें देता है रिवाइव। तो मैंने एक स्मोक करा क्योंकि स्मोक ज़रूरी था अगर वो पुश करते तो उन्हें हमें ना कुछ देख पाए वो हमें। मैंने और स्मोक करे क्योंकि ताकि आगे जाने आगे हम अभी भी जोन में नहीं थे मतलब कुछ कुछ तो थोड़ा बहुत तो पीछे थे। और तब हम ताकि हमें मौका मिल पाए जोन में जाने का। और हम जोन में जाते हैं और उन बंदों का करते हैं निपटारा जिनने हमें लेटे लेटे मारा। फिलहाल तो भाई ये स्क्वाड तो हो चुकी थी ख़त्म मतलब इनका एक आधी बंदा है इनके साथ नहीं था क्योंकि तो हमें मिला नहीं। पर ये वो बंदा आगे मिलने वाला है अभी मतलब थोड़ी देर में मिलने वाला है। तो भाई फिलहाल तो भाई घातक हमारा हो चुका है नॉक और अब हमारा भी हो चुका होता है भाई निपटारा। मैं स्मोक करता हूँ लेकिन अब तक कोई मतलब नहीं था स्मोक का। वही यहाँ पे मैं पूरा ट्राई करा मतलब ट्राई किया जो भी करा पर कुछ हो नहीं पाता है और बंदा अच्छे खेल गए। तो भाई कुछ देर में हमारा भी निपटारा हो जाएगा। इसलिए जनरली मेरे को ओपन गेम बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो भाई ये गेम तो चूँकि ख़त्म, अगर आपको गेम पर अच्छा लगाओ तो भाई मतलब अच्छा तो खैर नहीं लगा होगा, पर जैसा भी लगाओ भाई अगर मतलब ठीक ठाक लगाओ तो भाई वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और किंगनब्रू अगर बात पहुँचे तो भाई सॉरी यार हमने आपको जानबूझ के नहीं मारा। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।